अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी सलामती और सेहत के लिए मैं हमेशा के लिए दुआगो रहूंगा। आज की इस वीडियो में हम फ्लैट रो क्रीम को डिस्कस करेंगे। फ्लैट रो क्रीम जो है ये बैरून इस्तेमाल के लिए होती है और ये चेहरे से दाग धब्बे दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसके कंपोजिशन को पहले पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल है। ट्रेटिनाइन इसमें शामिल है 0.05%, हाइड्रोक्यूनोन इसमें शामिल है 4% पर ग्राम यानी 1 ग्राम में 4%, फ्लोसिनोलोन एसीटेट इसमें शामिल है 0.01% और इसका कीमत 120 रुपये है, ज्यादा महंगा नहीं है। तो आइए अब इसके फायदे को पढ़ते हैं। ये क्रीम मेलाज्मा यानी छाया दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। मेलाज्मा इसका केमिकल नाम है जो चेहरे पर छाया नजर आते हैं, तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए मुफीद है। इस क्रीम को चेहरे पर दाग धब्बों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर चेहरे पर जख्म की वजह से या किसी भी वजह से दाग धब्बे बने हुए हों तो इस क्रीम के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएंगे। चेहरे को गोरा बनाने के लिए इसको काले रंगत वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग होते हैं जिसकी रंगत काली होती है और वो अपने चेहरे में ग्लो चाहते हैं, अपने चेहरे को निखारना चाहते हैं और गोरा करना चाहते हैं, तो वो फ्लैट रो क्रीम इस्तेमाल करें। काला रंगत भी अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन इसकी केमिकल रीजन ये है, जो यानी इसकी साइंटिफिक रीजन ये है कि स्किन हमारी एक प्रोटीन पैदा करती है जिसको मेलानिन प्रोटीन्स कहते हैं। जो स्किन मेलानिन प्रोटीन ज्यादा पैदा करती है तो वो रंग स्किन काले होती है और जो कम पैदा करती है तो वो स्किन गोरा होता है। इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं? इस क्रीम को शुरू में चेहरे पर कम मिकदार में लगाएं, आहिस्ता आहिस्ता टाइम भी बढ़ाते जाएं और क्रीम की मिकदार भी। शुरू में यानी पहले दिन से आप 10 मिनट के लिए क्रीम को चेहरे पर लगा रहने दें, ठीक है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर आप 5 मिनट बढ़ाते जाएं। अगर शुरू से ही ज्यादा मिकदार में लगाएं तो स्किन पर जलन या सुर्खी पैदा हो सकती है। अगर आप ज्यादा टाइम के लिए लगाएं या ज्यादा मिकदार में लगाएं यानी एक मोटी सी तह आप बनाए अपने चेहरे पर, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं जो है यानी आपकी स्किन जो है आपकी स्किन पर जलन की कैफियत तारी हो सकती है या इसमें सुर्खी यानी रेडनेस पैदा हो सकती है। तो आपको एडवाइस किया जाता है कि इसको शुरू के दिनों में कम मिकदार में लगाएं और 10 मिनट से आप शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता टाइम बढ़ाते जाएं और क्रीम की मिकदार भी बढ़ाते जाएं। अब देखते हैं कि इसके मुमकिन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ब्रश स्किन हसास होती है तो हसास स्किन पर जलन पैदा हो सकती है और रेडनेस पैदा हो सकती है यानी सुर्खी पैदा हो सकती है यानी स्किन सुर्ख हो सकती है। तो ये इसकी साइड इफेक्ट्स थी। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।